नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज मैं आपको एक नई औषधि के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो सर्वत्र पाई जाती है। वर्षा ऋतु में यह भारत में सर्वत्र उत्पन्न हो जाती है। इस वनस्पति का संस्कृत नाम चिंचिरा, गुजराती में चिपटो कहते हैं, मराठी में चिंचिरा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इसे भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाओं में इसे बुलाया जाता है। इसका नेपाली नाम बालुकुरो है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह वनस्पति आपको खेतों में, खलियानों में, सड़क के किनारों पर दोनों और आसानी से देखने को मिल जाएगी। यह वनस्पति वर्षा काल में शारीरिक सारे भारत में अपने आप उत्पन्न भी हो जाती है। इसका पेड़ 1.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते गोल होते हैं। पत्तों का रंग हरा और थोड़ा श्वेत होता है। इसके ऊपर कांटे जैसे शुष्क रेशे होते हैं। इसको पीले रंग के पुष्प होते हैं जो मज्जान के बाद खिलते हैं। कपड़ों पर आसानी से यह चिपक जाते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार यह शीतल और बलवर्धक होते हैं। यह रक्त अतिसार का नाश करते हैं और स्त्री का दूध बढ़ाते हैं। यह अत्यंत पौष्टिक होते हैं। आइए जानते हैं इसका उपयोग। इसकी जड़ को लाकर स्वस्थ करने से पानी में घिस कर या तो इसको कूट कर इसका रस निकाल कर पिलाए तो अतिसार और रक्त दोनों ही ठीक हो जाते हैं। इसकी जड़ या इसके पंचांग को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में जल के साथ पीस कर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नित पिलाने से दूध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का घाव हो जो भर ना रहा हो तो इसके पत्तों की लुगदी बना कर घाव पर लगाएं तो घाव शीघ्र बढ़ने लगता है। अगर नाभि के आसपास गांठ हो तो इस वनस्पति को जल में घिसकर इसे आसपास लगाएं और इसके मुंह को कमर में बांधकर बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, यह वनस्पति बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।